में जिला परिषद के सामने स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हालांकि आज दूसरा दिन होने के बावजूद प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। अमरावती में 1,345 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस समय संविदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में संविलियन करने की मांग की गई है। उन्होंने स्टैंड लिया है कि अगर आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह 30 अक्टूबर को मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच विधायक रवि राणा ने इस आंदोलन का दौरा किया। रवि राणा ने कहा कि वह संविदा कर्मचारियों का मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के सामने उठाएंगे और ये भी कहा गया कि वह आगामी सत्र में संविदा कर्मचारियों का मुद्दा मला असं वाटते अमरावती जिल्ह्यातले 1,200 कर्मचारी आरोग्य विभागाचे त्यांनी कोरोनामध्ये अहोरात्र मेहनत केली। 15-15 वर्षापासून हे लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर काम करतात। प्राधान्यानं अति तातडीची बैठक कॅबिनेट बोलून त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं या कंत्राटदार आरोग्य विभागाच्या पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट बेसच्या अधिकाऱ्यांना परमानंट केलं पाहिजे। आणि कारण की कोरोनाच्या काळामध्ये यांनी जी सेवा केली ती सेवा न विसरणारी आहे आणि 15 वर्षापासून कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर लोक काम करतात या लोकांना तातडीनं परमानंट केलं पाहिजे। हे तानाजी सावंतांना सुद्धा विनंती करतो, मुख्यमंत्र्यांना करतो, उपमुख्यमंत्र्यांना करतो आणि मी स्वतः मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे आणि तानाजी सावंतकडे तातडीची बैठक लावणार आहे। न्यूज के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।